अपने भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और हिम्मत भरा कदम लिया था, तब आपके मन में कैसी भावनाओं चल रही थी? मैं आपका आभारी हूं। सर्जिकल स्ट्राइक पर आपका सवाल है। मैं आपका आभारी हूं कि आप वाणी से अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने एक्शन से अपनी भावनाओं को प्रकट की और शब्दों से आपके साथी ने मुझे इस बात को पहुंचाया। एक तो ये दृश्य अपने आप में हृदय को छूने वाला है, इतना चुमा। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक भारत का हजारों वर्ष का इतिहास है। किसी भी युग में भारत ने किसी की भी जमीन हड़पने का प्रयास नहीं किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हमें किसी की एक इंच भी जमीन नहीं लेनी थी, न हमें हमारे लिए लड़ना था, लेकिन हिंदुस्तान के 1.5 लाख सिपाहियों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहादत मोल ली थी। ये बहुत बड़ा बलिदान था। भारत का चरित्र अजय रहने का है, विजयी रहने का है, लेकिन किसी के हक को छीनना ये भारत का चरित्र नहीं है। और ये तो भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण का जो संवाद है, लंका छोड़ते समय तब भी उस सिद्धांतों को हमने देखा है। लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।